रहीकुमस नंबर ऑप्शन ए माउथ ऑप्शन बी लेग्स ऑप्शन सी क्ला ऑप्शन डी विंग्स सो दिन इज ऑप्शन सी क्लाब्स्टर जो होते हैं जस्ट अपने क्ला जो होते हैं वो उनको रिजनरेट कर सकते हैं बाकी किसी चीज को भी रिजनरेट नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू अर्थवर्म कैन रीजनरेट अर्थवर्म अपना कौन सा ऑर्गन को रीजनरेट कर सकते हैं ऑप्शन ए स्किन ऑप्शन बी टेल ऑप्शन सी सिटाई ऑप्शन डी हेड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हेड अर्थवर्म जो होते हैं वो अपने हेड को रीजनरेट कर सकते हैं अदरवाइज बाकी ऑर्गन को नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री सेलमंडर कैन रीजनरेट सेलेमंडर अपने कौन से यानी कि आर्गन को रीजनरेट कर सकते हैं ऑप्शन ए हेड ऑप्शन बी लिम्स ऑप्शन सी टेल ऑप्शन डी स्किन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लिम्स सेलमेंडर जो होते हैं वो जस्ट अपने लिम्स को रिजनरेट कर सकते हैं बाकी किसी भी आर्गन को नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर लीजर्ट कैन रीजनरेट लीजर्ट जो होती हैं छिपकलियाँ जो होती हैं वो कौन से आर्गन को रीजनरेट कर सकती हैं ऑप्शन ए हेड ऑप्शन बी लिम्स ऑप्शन सी टेल ऑप्शन डी स्किन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टेल टेल जो होती है उनकी वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है बाकी किसी भी चीज़ को आर्गन को वो रिजनरेट नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव मैन कैन रीजनरेट मैन किस चीज़ को रीजनरेट कर सकता है ऑप्शन ए स्किन ऑप्शन बी लिम्स ऑप्शन सी टेल ऑप्शन डी हेड सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्किन ह्यूम जो होते हैं मैन जो होते हैं वो जस्ट अपनी स्किन को रीजनरेट कर सकते हैं जैसे कि हर साल बाद या कुछ अरसे के बाद हमारी स्किन के सेल्स होते हैं डेड हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह पर न्यू स्किन सेल्स बन जाते हैं तो इसी वजह से स्किन को जस्ट वो रिजनरेट कर सकते हैं बाकी किसी की चीज़ को भी नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स रीजनरेशन इन प्लांट इज कन्फाइंड टू ऑप्शन ए रूट्स ऑप्शन बी स्टेम्स ऑप्शन सी लीव्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव प्लांट्स के अंदर इन तमाम चीज़ों की रीजनरेशन हो जाती है चाहे उनके रूट्स हों चाहे स्टेम्स हों या चाहे लीव्स हों क्वेश्चन नंबर नाइन्टी से रीजनरेशन बाय डिफ्रेंशिएटेड सेल्स टेक प्लेस इन ऑप्शन ए प्रॉन ऑप्शन बी सेलमेंडर ऑप्शन सी अर्थवर्म ऑप्शन डी स्टारफिश सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अर्थवर्म क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वो ब्रांच कौन सी होती है बायो की जो कि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है ऑप्शन ए फिजियोलॉजी ऑप्शन बी टेराटोलॉजी ऑप्शन सी गैरेंटोलॉजी ऑप्शन डी हर्पिटोलॉजी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टेराटोलॉजी इज अ ब्रांच विच द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन हीमोफीलिया इस कॉज ड्यू टू दी एबनॉर्मेलिटीज इन हीमोफोलिया किसकी अब्नॉर्मेलिटीज की वजह से होती है ऑप्शन ए हारमोन्स ऑप्शन बी जीन्स ऑप्शन सी मेटाबोलिज्म ऑप्शन डी इन्वायरमेंट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जीन जो हेमोफोलिया होती है वो जीन्स में अब्नॉमेलिटीज की वजह से बीमारी होती है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड देंड्रोम विच लीड्स टू टॉलनेस एंड अग्रेसिवनेस वो कौन सी इनके सिंड्रोम है जिसमें कद बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऑप्शन एक्स एक्स वाई ऑप्शन बी एक्स ओ ऑप्शन सी एक्स वाई वाई ऑप्शन डी ट्रिपल एक्स सो ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी एक्स वाई वाई क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन टैराटोजेंस आर टेराटोजेंस क्या होते हैं ऑप्शन ए जेनेटिक फैक्टर्स ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑप्शन सी हार्मोनल फैक्टर्स ऑप्शन डी मेटाबॉलिक फैक्टर्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू मैच टेराटोजेन विद द द फॉलोइंग ऑप्शन ए इंसुलिन ऑप्शन बी जीन ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल ऑप्शन डी नन सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री द कंडीशन ऑफ स्मॉल स्कल इज ऑप्शन ए हीमोफीलिया ऑप्शन बी क्लेफ्ट पैलेट ऑप्शन सी माइक्रोसिफेली ऑप्शन डी पॉलीडेक्टाइल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी माइक्रोसिफेली माइक्रोसिफेली के अंदर जो, है, जो है, होता है स्कल जो होता है वो स्मॉल होता है सो डेयर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर कल एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं स्टे कनेक्टेड अल्लाह हाफिज़